खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी शुक्रवार को होली मिलन समारोह में शामिल होने पलेरा पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। शुक्रवार को खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी होली मिलन समारोह में शामिल होने पलेरा पहुंचे, जहां संत फ्लावर स्कूल में होली मिलन समारोह एवं रंग पंचमी के पावन पर्व पर आयोजित समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं के बारे में भी सुना और मौके पर निराकरण किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में विकास को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र कहीं भी विकास की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अभी प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपका विधायक आपके द्वार हमेशा रहेगा। क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, जिसको लेकर समस्त कार्यकर्ताओं से मिलकर जहां विकास की जरूरत पड़ेगी वहां वह विकास कराएंगे। विधायक ने कहा कि वह सोसाइटी में खरीदी कर घपला किया जा रहा है या किसानों को परेशान किया जा रहा है, तो इसकी जानकारी ग्रामीण उन तक पहुंचाए, वह सेल्समैन पर कार्रवाई कराएंगे और पलेरा नगर में नया बस स्टैंड नए मॉडल का खरगापुर रोड पर बनाया जाएगा। नगर पलेरा में स्वागत गेट, दो पार्क, चौराहे पर मूर्तियां, सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे। विकास में कोई कमी नहीं की जाएगी और उन्होंने कहा कई हजार करोड़ की कैन बेतवा परियोजना तैयार की गई है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी किसानों को भरपूर पानी मिल सकेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। ये तय किया हम लोगों ने सबने मिलकर कि वहाँ एक जगह कहीं पर ऐसा आयोजन किया जाए जहाँ सभी कार्यकर्ताओं से अच्छी मुलाकात हो जाए और सब मिलकर होली मिलन का समारोह रख लें। मतलब होली मिलन में खाली मिलना जुलना हो जाए सबसे, और समय समय पे हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, इस बहाने से सारे कार्यकर्ता मिलते रहते हैं और आपस में किसी को कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी होती तो वो भी पता चल जाती है। और मेन हम लोग का उद्देश्य है कि अपनी खरगापुर विधानसभा में पलेरा में विकास अच्छा हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मोदी जी ने केन बेतवा परियोजना लिंक परियोजना का शुभारम्भ करने का एग्रीमेंट हो गया है उसका, तो केन बेतवा भी जल्दी चालू हो जाएगी। अपने पलेरा में बहुत ही पूरी उपजाऊ ज़मीनें हो जाएंगी, अच्छी नहरें आ जाएंगी बड़ी बड़ी, किसानों को बहुत लाभ होगा उससे। और बस मेरा तो कार्यकर्ता से यही कहना है कि अभी केंद्र में अपनी सरकार है, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार है, आपका विधायक बैठा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता लोग खूब मन लगा कर काम करें, अपना खुद का विकास करें, अपने बच्चों का विकास करें, अपने गाँव का विकास करें और अपने पलेरा नगर का खूब विकास करें।